अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रैक्टर्स ट्यूब पी के। जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 385 मैसी फर्गूसन का 13 फाले हाल पे परफॉर्मेंस चेक करवा रहे हैं। 2020 का मॉडल है ये ट्रैक्टर, और धान की कटाई के बाद खाली होने वाला ये खेत है जिसमें ट्रैक्टर इस वक्त चल रहा है। ये आपके सामने है ट्रैक्टर, पहले इसमें डिस्क चलाई थी, डिस्क चलाने के बाद अब इसमें हल चला रहे हैं और ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं और फसल के लिए। हल चेक कर लें आप स्क्रीन पर, इस वीडियो में दोस्तों मैसी कंपनी वालों के साथ भी मुखातिब हूँ मैं। अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे तो कुछ अपनी चीज़ का दोस्तों इनको म्यार भी बढ़ाना चाहिए। पैसे तो दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स की कीमतें जो हैं दिन ब दिन आसमानों से बात कर रही हैं। ये आपके सामने हैं हाल, देखें कितने लगे हुए हैं और टायर जो है स्लिप पे स्लिप मार रहा है। इनको चाहिए कि पीछे वाले टायर के साथ वेट ज़रूर देना चाहिए ताकि ट्रैक्टर का टायर जो है वो कम से कम स्लिप हो और डीजल की भी खपत कम हो। आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ कि टायर कितना स्लिप कर रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि टायर देखें कितना ज़्यादा स्लिप कर रहा है पिछला, ये देखें। इस वक्त ट्रैक्टर दोस्तों लो गियर में चल रहा है। ट्रैक्टर इस वक्त दोस्तों चौथे लो में चल रहा है, फिर भी देखें कि ट्रैक्टर कितना तंग हो रहा है और स्लिप कर रहा है। कुछ तो कंपनी वालों को शर्म करनी चाहिए। और ट्रैक्टर के साथ वेट लगा के दिए जाने चाहिए कंपनी की तरफ से ताकि किसानों को डीजल की बचत हो सके और ये जो टायर स्लिप करते हैं वो भी कमी हो इसमें। ये आपको करीब से दिखा रहा हूँ, जैसे ही थोड़ा सा लीवर डाउन करते हैं दोस्तों तो ट्रैक्टर जो है वो पिछले व्हील जो हैं इस ट्रैक्टर के स्लिप करना शुरू कर जाते हैं।